इधर आज राजस्थान में कई दिग्गज नामांकन भी दाखिल करेंगे। टोंक से कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा भी आज नामांकन दाखिल करेंगे और आपको बता देते हैं कि इससे पहले मनशापूर्ण भूतेश्वर महादेव मंदिर से रोड शो निकालेंगे और उसके बाद अपना नामांकन दाखिल करने के बाद जनसभा का भी एक आयोजन होना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राजस्थान चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे और साथ ही चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और नामांकन प्रक्रिया के बाद जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम रखा गया है और इस दौरान सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे और साथ ही चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहेंगे। नमो नारायण मीणा भूतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के बाद नामांकन प्रक्रिया के लिए मुख्यालय जाएंगे और इसके बाद आपको बता देते हैं कि सचिन पायलट भी नामांकन भरने पहुंचे थे। टोंक लोकसभा 2019 का चुनाव है और इसी के तहत कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा का नामांकन होना है। आज कुछ देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे सहित चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद दिखेंगे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।